मित्रों, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज एक बहुत लंबे परिश्रमी, सफल और विजयी चुनाव अभियान की समाप्ति पर चुनाव अभियान की कुछ बातें बताने के लिए आप सबको निमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हम सब के लिए आनंद और आश्चर्य दोनों का विषय है कि आज प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से पार्टी के प्रेस रूम में स्वागत करता हूं। मित्रों, इस चुनाव अभियान आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव अभियान हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला और सबसे बड़ा और विस्तृत चुनाव अभियान रहा है। इस चुनाव में हमारा जो अनुभव आया है उसमें जनता हमसे आगे रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी मोदी सरकार फिर से बनाने के लिए जनता का उत्साह और जनता का उमंग और जनता का परिश्रम भी हम सबसे आगे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आनंद का विषय है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी तब से एक संगठनात्मक आधार पर काम करने वाली पार्टी रही। राजनीति के अंदर चाहे चुनाव हो, चाहे सरकार बनने के बाद सरकार की नीतियों को नीचे तक पहुंचाना हो, कामों को नीचे तक पहुंचाना हो, संगठन हमारे सभी कामों का एक प्रमुख अंग रहा है। 2014 में देश की जनता ने एक ऐतिहासिक जनादेश दिया था और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी, पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी का, भाजपा का पूर्ण बहुमत का सरकार बना और देश की जनता ने एक प्रयोग किया था। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो प्रयोग को नरेंद्र मोदी एक्सपेरिमेंट के नाम से चर्चा में लेते हैं और उसी वक्त से पार्टी ने तय किया था कि मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार बनी है इसके साथ ये प्रयोग विफल न हो इसके लिए भी पार्टी पूरी चिंता करेगी और सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चलेगी वो भी जनता की सभी आकांक्षाओं को पूर्ति की दिशा में काम करेगी। और मुझे आज 5 साल समाप्त होने को आए हैं, मुझे आनंद है कि नरेंद्र मोदी प्रयोग को जनता ने स्वीकारा है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि फिर से गत चुनाव से भी बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है। हमारा लगभग 10,35,000 बूथ में से 8,63,000 बूथों की रचना ये 5 साल में हमने समाप्त की है। 1,60,064 शक्ति केंद्र है, पोलिंग स्टेशन है, उसमें से लगभग 1,52,000 शक्ति केंद्रों पर हमारी रचना पूरी हुई है। और इस संगठन के आधार पर हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कामों को किया उसको नीचे तक पहुंचाने का कंटिन्यूअस प्रयास किया है और नरेंद्र मोदी सरकार ने भी हर 15 दिन में एक नई योजना लाकर लगभग 133 योजनाएं, देश के हर वर्ग को छूने वाली योजनाएं, हर वर्ग के जीवन स्तर को उठाने वाली योजनाएं नीचे तक पहुंचे इसका प्रयास किया है और प्रधानमंत्री जी स्वयं और उनका कार्यालय ये योजनाओं के क्रियान्वयन को देखता था। देश के गरीब, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, गांव, शहर, समाज के हर वर्ग को 133 योजनाओं ने छुआ है और 133 योजनाओं के आधार पर देश के अंदर एक नई चेतना की जागृति हुई।
2014 में एक ऐसा माहौल बना था कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा पार्लियामेंट्री मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम देश का कल्याण कर सकता है क्या, देश को आगे ले जा सकता है क्या, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न देश की जनता के मन में था। आज देश की जनता लोकतंत्र में विश्वास को दृढ़ कर कर ये मानती है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा जो है वो देश को आगे ले जा सकता है। इसके पीछे 133 योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमने बूथ और शक्ति केंद्र की रचना करने के साथ साथ लगभग जितने भी चुनाव आए इसमें बहुत बड़ी सफलता हमने प्राप्त की थी। 2014 में हमारे पास 6 सरकारें थी, आज हमारे पास 16 सरकारें हैं। लगभग एक समय पर देश में 19 राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी, और इसका मुख्य कारण है कि 50 करोड़ गरीबों को उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए इस सरकार ने बहुत बड़ा सफल प्रयास किया और उनके जीवन स्तर को उठाया है। घर, बिजली, गैस, शौचालय ये सहारा पहुंचाकर उनको ये एहसास दिया दिलाया है कि देश के विकास की योजना में उनकी भी हिस्सेदारी है, देश का विकास ये 50 करोड़ गरीबों के लिए भी है। देश के सम्मान को बहुत ऊपर तक बढ़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया में आज भारत को एक शक्ति के नाते स्वीकृति ये 5 साल में दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज देश के 125 करोड़ देशवासियों के मन में देश की सुरक्षा के लिए किंचित मात्र असुरक्षा का भाव नहीं है। सब लोग मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित है। हर क्षेत्र का विकास, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या गांव के अंदर ऑप्टिकल फाइबर पहुँचाने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है। किसानों के विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाएं सफलतापूर्वक हमने की है। दलित, आदिवासी और महिलाओं के लिए भी ढेर सारी योजनाएं और उनको एम्पावरमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आई और एक इस सभी वर्गों के अंदर नया आत्मविश्वास भरने का काम किया है। अर्थतंत्र को दुनिया में सबसे गतिशील अर्थतंत्र 5 साल बनाए रखा। ये चुनाव पहला ऐसा चुनाव था जहां विपक्ष की ओर से महंगाई और भ्रष्टाचार ये दोनों मुद्दे नहीं थे। बहुत लंबे समय के बाद देश की जनता ने कैसे चुनाव अभियान का अनुभव किया है जिसमें विपक्ष की ओर के महंगाई का मुद्दा नहीं उठा, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठा, और एक प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 6ठे नंबर पर, 6ठे पायदान पर लाने का काम ये 5 साल में हुआ है, और इसके कारण जनता में एक प्रचंड लहर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए खड़ी हुई थी। हमने जनवरी 16 से ही हमारे प्रचार अभियान का शुरुआत किया था। सबसे पहले देश भर में बूथ सम्मेलन कर, क्लस्टर सम्मेलन कर हमने चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया था, और लगभग 150 से ज़्यादा क्लस्टर सम्मेलन हमने करे थे। हमने राष्ट्रीय स्तर पर 18 समितियों की रचना करी थी जिसमें श्री राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी अलग अलग समितियों का नेतृत्व करते थे, और वो समितियों के तत्वाधान में ये समितियां लोकसभा तक नीचे बनी। प्रदेश की लगभग 29 लोकसभा चुनाव समितियाँ बनी जिसमें कुल 435 हमारे वरिष्ठ नेता थे। लोकसभा चुनाव संचालन समितियाँ 482 बनी जिसमें 7230 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। 120 लोकसभा जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी उसको भी हमने 3 साल से लक्ष्य बनाकर काम किया था। मुझे आज कहते हुए आनंद है कि परिणाम आएंगे तब आप इसको देख लेना। 120 में से हम 80 लोकसभा क्षेत्र लड़े हैं, बहुत अच्छी सफलता हमें मिलेगी इसका मुझे आशा है। कुल 13 प्रदेशों में 25 क्लस्टर बनाए गए, 120 लोकसभा सीटें थी और 25 हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ये क्लस्टर को
ताकत देने के लिए संगठनात्मक और राजनीतिक दौरे किए थे। हमारे लगभग लगभग 3000 फुल टाइमर दो साल से विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र पर काम करे। शायद ही कोई ऐसा अभियान होगा जिसमें स्वयंसेवी 3000 पूर्णकालिक कार्यकर्ता कोई वेतन लिए बगैर पार्टी के लिए दो साल तक एक विधानसभा क्षेत्र और एक लोकसभा क्षेत्र में रहकर भारतीय जनता पार्टी के बूथों की रचना और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों को सफल कराने के लिए आगे बढ़े। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है और 2566 विधानसभाओं में हमारे फुल टाइमर रहे हैं। इसके बाद में हमने ढेर सारे संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रम लिए थे। विस्तारक योजना, मैंने कहा विस्तारक योजना ली, शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलनों की योजना ली, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके तहत प्रधानमंत्री जी ने देश भर के सभी बूथों के अंदर बात कर विश्व विक्रम स्थापित हो इतने कार्यकर्ताओं से सीधी बात करी थी। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन हमारे लगभग 472 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर हुए, युवा सम्मेलन 480 लोकसभा क्षेत्र में हुए, संगठन संवाद अलग अलग स्तर पर हुआ, मेरा परिवार भाजपा परिवार इसके तहत बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपने घरों को आइडेंटिफाई करते हुए झंडा और स्टिकर लगाने का काम करा। देश भर में लगभग 3800 विधानसभाओं में कमल संदेश बाइक रैली निकाली गई, 22 करोड़ लाभार्थियों के घर में एक ही दिन दीप जलाकर कमल ज्योति संकल्प लेकर कमल दीपावली का कार्यक्रम किया गया। मैं भी चौकीदार हूँ अभियान, जो दरअसल जनता में से ही उभर कर आया था, वो मैं भी चौकीदार हूँ अभियान भी देश भर के अंदर चला और भारत के मन की बात के द्वारा हमारे चुनाव संकल्प पत्र को बनाने के लिए हमने बहुत सारे सुझाव इकट्ठा किए और इसमें से बहुत सारे सुझावों को लेते हुए हमारे संकल्प पत्र को हमने फाइनल स्वरूप दिया था। देश भर में हमने 161 कॉल सेंटर बनाए गए, 161 कॉल सेंटरों ने 6 महीने तक काम किया और 15,682 कॉलर्स, जिसमें से अधिकांश हमारे कार्यकर्ता थे, ये देश भर में बैठकर दो लोकसभा क्षेत्रों के बीच में एक, इस प्रकार से कॉल सेंटर बने। नॉर्थ ईस्ट में बड़ा क्लस्टर बनाया था और ये 15,682 कॉलर ने लगभग 24,81,00,000 लाभार्थियों के संपर्क करने का अभियान चलाया। बहुत बड़ा अभियान है, 6 महीने में चला है, 24,81,00,000 लाभार्थी हमारी 16 राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के मिलाकर हमने करे हैं। इसके आधार पर एक बहुत बड़ा जनसंपर्क लाभार्थियों का हमने करने का काम किया। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात रही कि नरेंद्र मोदी सरकार के किए गए काम और प्रधानमंत्री जी के लिए लोगों का जो लगाव है, इसके कारण प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण ढेर सारे वॉलंटियर्स हमें प्राप्त हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे परंतु भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनकर आए और प्रधानमंत्री जी फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए काम करने वाले करोड़ों लोगों को मैंने इस चुनाव में देखा है, नमो ऐप के माध्यम से, नमो मर्चेंटाइल्स के माध्यम से और माइक्रो डोनेशन के माध्यम से हमारे चुनाव अभियान को ढेर सारे वॉलंटियर्स ने गति दी। मैं भी चौकीदार अभियान, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, पुरुष हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, नौकरी करने वाला हो या जर्नलिस्ट भी हो, सभी प्रकार के लोगों ने मैं भी चौकीदार हूँ अभियान के साथ अपने आप को संबंध पाया। फिर एक बार मोदी सरकार, ये अभियान भी लोगों में से ही उठा, नारा भी वॉलंटियर्स ने ही बनाया, आएगा तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है, ये सारे नारे इस बार हमारी पार्टी ने नहीं दिए, ये सारे नारे वॉलंटियर्स ने दिए, पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया और जनता ने स्वीकारा। मैंने चुनाव अभियान में लंबे समय तक देश का दौरा किया है,
जब फिर एक बार मोदी सरकार का नारा हम शुरू में लगाते थे मार्च में, तो फिर एक बार बोलते ही सामने से मोदी सरकार का जवाब आता था। अंतिम चार दिनों के चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार का नारा बदल कर जनता ने ही बार बार मोदी सरकार का नारा बना दिया। फिर एक बार मोदी सरकार माइक में बुलाते थे तो लोग सामने से बार बार मोदी सरकार नारा बुलाते थे। मित्रों, इसके साथ में जो प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया है इसकी भी मैं थोड़ी डिटेल देना चाहता हूं, और मैं बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। देश की आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव अभियान हैं इसका कोई भी स्टडी कर सकता है। हम स्टडी करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा परिश्रमी चुनाव अभियान, सबसे ज़्यादा विस्तृत चुनाव अभियान और सबसे ज़्यादा जनता को संपर्क करने वाला चुनाव अभियान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लोकतंत्र का एक महोत्सव मानती है, सिर्फ ये कहने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री ने शायद ही देश का कोई ऐसा कोना रहा होगा जिसके अंदर फरवरी से लेकर मई तक दौरा नहीं किया होगा। फरवरी से लेकर मई तक के चुनाव अभियान के अंदर ढेर सारी जगहों पे कार्यक्रम हुए। चुनाव की घोषणा के बाद अभियान की शुरुआत की बात करें तो 28 मार्च 2019 से मेरठ से उत्तर प्रदेश से हमने शुरुआत की और कुल 142 जनसभाओं को मोदी जी ने संबोधित किया है। 4 रोड शो किए हैं और इन जनसभाओं में कंजर्वेटिव अनुमानित संख्या 1,50,00,000 से ज़्यादा लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने सीधा संपर्क स्थापित किया था। लगभग 10,000 से ज़्यादा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मंच के नीचे मोदी जी ने संवाद कर चुनाव के कामकाज का जायजा लिया है और ढेर सारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ चुनाव अभियान की व्यस्तता में भी नीचे जो उनके लिए पेंडाल बनता है सभा के पीछे वहाँ मुलाकात की है। आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या दिव्यांगों को जिनको सहायता मिली है, ये सारे दिव्यांगों के साथ बातचीत करना हो, ऐसे लगभग 7,000 से ज़्यादा लाभार्थियों के साथ उन्होंने संवाद किया है और योजना नीचे तक पहुंची नहीं पहुंची इसकी पृच्छा भी करी है। लगभग एक दिन में कई बार 5 से ज़्यादा जनसभाओं को संबोधित किया है। 1,05,000 किलोमीटर यात्रा देश भर में की है। 3 दिन ऐसे हैं जिसमें 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की है। अधिकांश जनसभाएं 40 डिग्री से 45 डिग्री के तापमान में संपन्न हुई। उच्चतम रैली का स्थान रुद्रपुर उत्तराखंड में रहा। सबसे गर्म 46 डिग्री टेम्परेचर में इटारसी मध्य प्रदेश में हुई और सबसे ठंडा 18 डिग्री टेम्परेचर एलो अरुणाचल में सभा हुई। एक दृष्टि से ये ऐसा अभियान था जिसमें 80 डिग्री से 46 डिग्री तक टेम्परेचर के अंदर प्रधानमंत्री जी अभियान चलाते रहे, मगर सब जगह चुनावी गर्मी 50 डिग्री से ज़्यादा ही थी। जनता के अंदर चुनावी गर्मी ज़्यादा थी। लगभग कई प्रकार के कार्यक्रमों करते हुए मोदी जी ने एक विस्तृत जनसंपर्क अभियान चलाया है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा भी लगभग कुल मिलाकर 312 लोकसभा पर जाना हुआ। जनवरी से लेकर मई तक 161 जनसभाएं चुनाव की घोषणा के बाद हुई, 18 रोड शो हुए। लगभग किलोमीटर की बात करें तो 1,58,000 किलोमीटर का मेरा दौरा हुआ है। ढेर सारे हमारे नेताओं ने भी सभाओं को संबोधित किया है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की
1500 से ज़्यादा सभाएं देश भर में हुई हैं और प्रदेश स्तर के नेताओं की 3800 से ज़्यादा सभाएं हुई है। 3800 विधानसभा क्षेत्रों में हर विधानसभा में 4 से ज़्यादा कार्यक्रम हुए, 3800 असेंबली में 4 से ज़्यादा कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्रियों ने भी बहुत परिश्रम किया है, श्री योगी आदित्यनाथ ने 135 सभाएं करी हैं, 91 सभा देवेंद्र फडणवीस जी ने की है, 86 सभा विजय रूपाणी जी ने किया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 58 सभाओं का दौरा किया है और जयराम ठाकुर जी ने कुल देश में 106 सभाओं को किया है। प्रचार प्रसार और बाकी सब दृष्टि से ये हमारा चुनाव अभियान, मैं मानता हूँ, सुनियोजित और भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है वो संस्कार के हिसाब से संगठन के माध्यम से ये चुनाव अभियान को हम नीचे तक ले गए और बहुत सारे कार्यकर्ताओं के फीडबैक और हमारे फीडबैक के आधार पर मैंने 2 दिन भी पहले भी आप लोगों को बताया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया है, मगर मैं फिर से एक बार आज रिपीट करना चाहूँगा कि 23 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि हम 300 से ज़्यादा सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनाने जा रही है और मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मित्रों, ये चुनाव अभियान के अंदर मोदी जी ने ढेर सारे साक्षात्कार भी किए हैं, ढेर सारे प्रिंट मीडिया को भी इंटरव्यू दिए हैं और एक दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंपर्क प्रधानमंत्री जी ने किया हो ऐसा चुनाव अभियान अब कुछ क्षण में ये प्रेस वार्ता की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएगा, तो उस वक्त आप सब भारतीय जनता पार्टी की बीट के पत्रकार भाइयों बहनों के साथ हम अपनी संतोष और खुशी दोनों शेयर करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। अब मैं हम सब की ओर से प्रधानमंत्री जी को आग्रह करूंगा कि हम सब से बात करें। नमस्कार दोस्तों, पहले तो मेरा यही काम रहता था कि पार्टी दफ्तर में शाम को आप लोगों के साथ चाय पीना। अब काफ़ी लोग बदल गए हैं, टीम काफ़ी, कुछ लोग पुराने अभी भी दिखते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा आज मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला। वैसे मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ा, मैं मध्य प्रदेश में था तो वहीं से सीधा आपके बीच पहुंचा हूं। और आज इसके बाद शायद अध्यक्ष जी ने मेरे लिए कोई काम नहीं रखा है, कार्यकर्ताओं को मिला है। है। इसके बाद भी है, सभी समितियों के साथ मोदी जी का संवाद है, एक आभार दर्शन का कार्यक्रम। मैं मानता हूं कि कुछ बातें दुनिया के लिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र की ताकत क्या है ये विश्व के सामने ले जाना, ये हम सबका दायित्व है, ये कोई सरकार का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। और मैं मानूंगा कि विश्व को हमने प्रभावित करना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है, कितनी विविधताओं से भरी हुई है, कितनी अच्छाइयाँ हैं उसमें। अब इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, 2 चुनाव ऐसे गए 2009 और 2014 के, IPL मैच को भी बाहर ले जाना पड़ा था। आज जब सरकार सक्षम होती है तो रमजान भी चलता है, IPL मैच भी चलता है, ईस्टर भी होता है, हनुमान जयंती भी होती है, राम जयंती भी होती है, नवरात्रि भी होता है, बच्चों के एग्ज़ाम भी चलते हैं और चुनाव भी चल रहे हैं और सब कुछ, यानी ये हमारे देश की अपनी ताकत है। मैं इसको कोई सरकार की अमानत के रूप में पेश नहीं कर रहा हूँ,
ये भारत के गौरव की बात है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप लोग भी, और मैंने देखा है शायद पत्रकारिता जगत में नेचुरल कैलेमिटी जब होती है तब उनकी हालत बड़ी खराब होती है, दौड़ना पड़ता है, और दूसरी शायद चुनाव के समय होता है कि इतनी उनको इतनी कंपटीशन होती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी धूल फाँकनी पड़ती है, और सोशल मीडिया आने के बाद डबल अकाउंटेबिलिटी हो गई, एक तो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की और दूसरी पर्सनल जो ट्वीट करते हैं उसकी, तो उसके लिए डबल अकाउंटेबिलिटी में आपको काम करना पड़ रहा है। तो आपने भी बहुत परिश्रम किया है, जरूर 23 तारीख तक आपको कुछ न कुछ आराम आपके ऑफिस से मिलेगा, हमारी तरफ से तो जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत शानदार रहा चुनाव, एक सकारात्मक भाव से चुनाव हुआ, और थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मोटा मोटा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए, ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, तय करके के चुनाव लड़ा गया हो और चुनाव में सरकार बनती हो, वैसा भी बहुत कम हुआ है, बीच में जितने ही सरकारें बनी तो परिस्थिति ने जो बना दिया उसको, किसी को 1 साल मिल गया, 2 साल मिल गया, या तो किसी पारिवारिक परंपरा से मिल गया। देश में एक्चुअली जनता के बीच में निर्णय करने का अवसर आया हो और उसमें सरकार बनती हो, ये मौका 14 में मिला और दूसरा मौका अभी 19 में मिल रहा है। कभी न कभी इसका एनालिसिस आपके यहाँ जो पंडित लोग हैं उन्होंने जरूर करना चाहिए, आपको लोगों को तो शायद उतनी स्पेस मिलती नहीं है, आपको तो थोड़ी थोड़ा चीज़ें दे करके दिन गुजारना पड़ता है, लेकिन ज़रूर जब आप एडिट बोर्ड में मिलने जुलने का मौका मिलता होगा तो ज़रूर ये बातें आप उनसे कर सकते हैं। लेकिन मेरा बहुत सुखद अनुभव रहा है, जब मैं चुनाव के लिए निकला तब ये मन बना करके निकला था, और आज आखिरी सभा तक उसी बात को मैं बराबर अपने आप को उसी धार पर रखा हूँ, और मैंने देशवासियों को ये कहा था कि मैं आपके पास आया हूँ धन्यवाद करने के लिए, 5 साल मुझे देश ने जो सहकार दिया, आशीर्वाद दिया, अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, अनेक मोड़ आए होंगे, लेकिन हर समय देश साथ रहा, और इसलिए मेरे लिए चुनाव अभियान एक प्रकार से 5 साल का जनता जनार्दन के सहयोग का धन्यवाद अभियान था, और मैं जहां पहुंच सकूं पहुंच करके मैंने धन्यवाद ज्ञापन किया है। आप लोगों के बीच भी मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूं, और आपके माध्यम से देशवासियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरा धन्यवाद के साथ मैंने ये भी कहा कि जिन यात्रा को हमने शुरू किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद चाहिए, और मैं देख रहा हूं कि जनता पहले से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद दे रही है। पिछली बार 14 मई में रिजल्ट आया था, और 17 मई को एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी, आज 17 मई है, 17 मई को देश में सट्टाखोरों को मोदी की हाजिरी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, अरबों खरबों का नुकसान हो गया था सट्टाबाजों को, यानी ईमानदारी की शुरुआत 17 मई को हो गई थी मेरा शपथ के पहले, क्योंकि उस समय सट्टा बाजार जो चलता था वो कांग्रेस की 150 सीट के लिए चलता था और बीजेपी की 218 के आसपास का चलता था, 18 तो 75,
और सबके सब डूब गए थे। तो शायद ईमानदारी की शुरुआत 17 मई से ही हो गई थी। सट्टाखोरी के दिमाग को बहुत बड़ा धक्का इस देश की जनता ने दे दिया था। और जैसे कहते हैं ना पुत्र के लक्षण पालने में, वैसी वो शुरुआत थी। तो आज 17 मई है तो मुझे याद आया, मैंने कहा जरा आपसे शेयर कर लूं। सरकार बनना देश की जनता ने तय कर लिया है, हमने भी देश को आगे ले जाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें कही हैं। जितना हो सके उतना जल्दी नई सरकार अपना कार्यभार शुरू करेगी, एक के बाद एक निर्णय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सरकार की एक विशेषता जो रही है वो है लास्ट माइल डिलीवरी, और मैं समझता हूँ कि ये शायद हिंदुस्तान में गवर्नेंस का नया कल्चर है। और जो अमित भाई बता रहे थे कि जो लाभार्थी के आखिरी व्यक्ति को हमने जो संपर्क किया है, ये अपने आप में, मैं जानता हूँ ये मीडिया की दृष्टि से ये जो बातें अमित भाई बता रहे थे मजा आने वाली नहीं थी, तो चेहरे पर थकान भी मैं देख रहा था आप लोगों की कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा परिश्रम के बाद ये होता है, कितनी बड़ी ताकत लगती है। एक संगठन के आधार पर चुनाव कैसे लड़ा जाता है, ये अपने आप में लोकतंत्र की असली ताकत है। ठीक है अभी शायद ये आपाधापी में तूतू मेमे की दुनिया में इन चीज़ों के लिए लिखने के लिए आपको स्पेस भी नहीं मिलेगा, इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी शायद आपके लिए 2-5 सेकंड से ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन कभी ना कभी आप में से कोई रिसर्च करना चाहे तो मैं ज़रूर अध्यक्ष जी को कहूँगा कि ऐसे जो इंटरेस्टेड जर्नलिज्म के लोग हो उनको ज़रूर ये बात हमने देनी चाहिए, ताकि वो सचमुच में देश के लिए और उनके लिए भी कि भाई पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ ऐसे नहीं चलती हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था से इन चीज़ों को कैसे चलाया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और अच्छा है कि देश की नई पीढ़ी को पता चले कि भई ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, इतना बड़ी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स को इतना मोबिलाइज करना और बड़ा टारगेटेड फोकस एक्टिविटी देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। इसका काफ़ी आंकड़ों में तो बताया है लेकिन उसका स्केल आप देखेंगे। अब मेरी पहली सभा हुई मेरठ में, आखिरी सभा हुई आज मध्य प्रदेश में, दोनों का बड़ा लिंक है जी। 1857 की क्रांति मेरठ, और आज मैं मध्य प्रदेश में गया, वहाँ का एक भीमा नायक आदिवासी जो 1857 के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था और जिसको फांसी हुई थी, यानी हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस ठीक है हमारा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट रहता है, सब चीज़ें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे 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 आपको पता चलता है। तो मेरा एक भी कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है इतने बड़े अभियान में, नॉट अ सिंगल। और बाय एंड लार्ज वेदर ने भी मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं दी है, कभी कभी हेलीकॉप्टर खराब हो जाते थे तो एक हेलीकॉप्टर में सबको भर देते थे, लेकिन एक भी कार्यक्रम मेरा कैंसिल नहीं हुआ, सारे के सारे कार्यक्रम पूरे हुए। यानी एक प्रकार से डिसिप्लिन को जितना फॉलो कर सकते हैं करने का प्रयास किया है, और पहले दिन से चेहरे पर जो उत्साह और उमंग था उसी उत्साह और उमंग के साथ आपके बीच आया हूँ। और अभी शाम का एक कार्यक्रम पूरा होने के बाद फिर से अपने सरकारी कामों में जुड़ जाऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अच्छा जी, आपने कहा कि मतलब इस बार का जो
देखिए विपक्ष से और अपेक्षा कुछ की नहीं जा सकती, वो ऐसे ही बोलेंगे, परंतु मैं इतना बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की ओर से कहीं पर भी ये शुरुआत नहीं हुई है। अब मुद्दों को बताना, भ्रष्टाचार की बात करना, भ्रष्टाचार के बारे में उल्लेख करना, उसको अगर आप स्तर गिराना चाहते हो तो मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को जनता के सामने रखना हमारा लोकतांत्रिक दायित्व भी है और अधिकार भी है। मगर आप किसी के भ्रष्टाचार को बात करो और उसको आप स्तर गिराना कहते हो तो वो ठीक नहीं। नहीं नहीं, आप पहले दो चीजों को मिक्सअप मत करिए। सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के पास पूर्ण बहुमत होगा, हम 300 से ज्यादा सीट प्राप्त करेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है, इसमें कोई कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं है। सरकार एनडीए की बनेगी और उसके बाद भी हमारी नीतियों और कार्यक्रमों को देखकर कोई जुड़ना चाहता है तो सभी का स्वागत है। 2014 के चुनाव में विपक्ष बिखरा हुआ था, कई जगह गठबंधन नहीं थे और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था। इस बार कई राज्यों में गठबंधन बने, पूरे देश में नहीं हुआ, उसका कितना असर था? देखिए हमने 2014 से ही 50% की लड़ाई की तैयारी की थी और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार का परफॉर्मेंस रहा, मैं आपको दो आंकड़े कहना चाहता हूँ। 22 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी केंद्र सरकार के थे, 22 करोड़ से ज्यादा, और हमें गत चुनाव में 17 करोड़ वोट मिले थे। गत चुनाव में हमारे पास 2.5 करोड़ कार्यकर्ता थे, इस बार 11 करोड़ कार्यकर्ता है। हमें चुनाव को 50% का चुनाव मानकर लड़े हैं और आपका शायद ध्यान नहीं गया, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, अपना त्रिपुरा, इस सब राज्यों में 50% क्रॉस किया है, यही थ्योरी के आधार पर क्रॉस किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये जमाना चला गया है कि दो नेता दिल्ली के ड्राइंग रूम में हाथ मिलाएंगे तो उनके पीछे मतदाता बंधुआ मजदूर होकर चला जाएगा। मतदाता अपना मत खुद तय करता है, अपना वोट खुद तय करता है और देश के और अपने क्षेत्र के भले के लिए उसका उपयोग करता है। अमिताभ सिन्हा, जरा भी बैकफुट पर नहीं है, आत्मविश्वास के साथ हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर, हमारे भावी कार्यक्रमों के आधार पर गए हैं। हमारे पास एक सुदृढ़ संगठन का खाका है जिसने हर चीजों का जवाब न सिर्फ माइक में, जनता के बीच में जाकर छोटे से छोटे ग्रुप में संपर्क कर भी दिया है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारे गलत प्रचार का कोई असर जनमानस पर नहीं हुआ, उल्टा सिंपथी बढ़कर हमारे पक्ष में वातावरण और दृढ़ हुआ है। मेगा प्रसाद, मेरे 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं मेगा जी, 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं। क्या जवाब है ममता जी के पास, कौन इंसाफ फैला रहा है? और हम तो पूरे देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं, केरल में भी लड़ रहे, तमिलनाडु में लड़ रहे, राजस्थान में लड़ रहे, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, आसाम, कहीं क्यों हिंसा नहीं होती है? वो अकेली ममता जी अकेली वेस्ट बंगाल में लड़ रही, वहीं क्यों हिंसा होती है? अगर हमारे कारण हिंसा होती तो हम तो सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं। और मुझे तो दुख ममता जी से नहीं है, आप लोगों से है कि ऐसी चीजों को आप बल देते हैं। आपने उनको काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए कि 80 लोग तो भारतीय जनता पार्टी के मारे गए हैं, मगर मैं देख रहा हूं कोई पूछता नहीं है मीडिया में। अंजना ओमकाश्यप, पहले आग हम तो डिसिप्लिन सोचा है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के मन की बात थी, उन्होंने कहा कि मैं मन से कभी शादी करना चाहता हूं, तो दादू आप बोर्ड से
नहीं, पार्टी ने उनको सो कॉज नोटिस इश्यू करने का निर्णय किया है, उनका जवाब आने के बाद डिसिप्लिनरी कमिटी इस पर निर्णय करेगी, हमारी पार्टी का संविधान है और इसके हिसाब से आगे कार्यवाही होगी। अखिलेश सिंह, अखिलेश जी, अखिलेश जी, विश्वास का आधार 5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम की है वो काम, और हमारा चुनाव अभियान में जो जनता से रिस्पांस मिला है वो रिस्पांस का एनालिसिस करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, देश का प्रधानमंत्री कौन बने, देश में किस पार्टी की सरकार हो, इस पर फैसला करने का चुनाव है। आप जो इंगित कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, ये तीनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ववत स्थिति प्राप्त करेगी। पॉलमी, नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को खेद है, इसीलिए प्रॉम्प्ट एक्शन लिए गए हैं। डिसिप्लिनरी कमिटी ने आज ही उनको नोटिस इश्यू कर दिया है और 10 दिन का समय दिया है और उसके बाद तुरंत ही फैसला करेंगे जो उचित होगा। वो ये तीनों नेताओं के जो बयान है इसके साथ पार्टी अपने आप को संबंध नहीं पाती है। हम इस प्रकार की बातों को निजी मानते हैं, न केवल निजी मानते हैं, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको नोटिस इश्यू कर कर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए भी हमने प्रोसीडिंग स्टार्ट की है। प्रणय उपाध्याय, अमित जी, 2014 में जब आपके चुनाव नतीजे आए थे तो 282 सीटों में बहुमत, पूर्ण बहुमत हासिल करने के बावजूद आपने एनडीए बनाया, गठबंधन के साथियों को साथ लिया, क्या इस बार आपके मान के चलते गठबंधन बड़ा होने की संभावना है या फिलहाल इसी गठबंधन के साथ आप बहुमत के लिए आश्वस्त हैं? देखिए, बहुमत के लिए मैं फिर से एक बार कह दूं, किसी के मन में कन्फ्यूज़न न रहे, जहां तक बहुमत का सवाल है भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर बहुमत प्राप्त करेगी। हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, हमारा प्री पोल अलायंस है, प्री पोल अलायंस के साथ ही हमारी सरकार में होंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, सरकार NDA की होगी, इसके बाद भी किसी को हमारी एजेंडा के साथ, हमारी सिद्धांतों के साथ जुड़कर हमारे साथ आना है तो सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पायल जी, चलिए ऐसी बातों पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। महात्मा गांधी की फिलॉसफी कोई पार्टी के कार्यकर्ता होने से नहीं आती है, महात्मा गांधी की फिलॉसफी पूरे देश की है, स्वच्छता के लिए, गांव के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, इवन खादी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया है, उनकी 55 साल की सरकार ने अब तक कुछ भी किया होता तो बापू के विचार आज सार्थक रूप से हर गांव तक पहुंचे होते। अखिलेश शर्मा, देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 6 बजे तक चुनाव अभियान था, हम जनता के संपर्क में रहे हैं। उनको लगता है कि मैदान में अब कोई काम नहीं रहा है तो वो ड्राइंग रूम की मीटिंग कर रहे हैं। लीज मैथ्यू, ना जी, जरा भी नहीं, दो इश्यू अलग हैं। प्रज्ञा ठाकुर का कैंडिडेचर ये फर्जी भगवा टेरर के
फर्जी केस के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है। देश की सुरक्षा के साथ वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस सरकार ने जो कॉम्प्रोमाइज किया, इसके सामने हमारा सत्याग्रह। मैं एक छोटा सा सवाल आप सबको पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं। समझौता एक्सप्रेस में कुछ लोग पहले पकड़े गए थे, सीबीआई ने कहा कि ये एलईटी से संबंध लोग हैं। अमेरिकन एजेंसियों ने भी इसका समर्थन किया है कि एलईटी से संबंध लोग हैं। एक फर्जी केस भगवा टेरर का बनाया जिसमें सब लोग बरी हो चुके हैं, और भगवा टेरर काल्पनिक बातें देश की अदालत ने अब कह चुकी है। तो जिन लोगों को छोड़ दिया, 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया और सुरक्षा के साथ समझौता किया सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज भी, मेरा मांग है कि ये जो घटना हुई है पूरी हिंदू संस्कृति को दुनिया में बदनाम किया है, देश की सुरक्षा के साथ आपने समझौता किया है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने देश से माफी मांगनी चाहिए। नीलू रंजन, नहीं, आप स्वतः ही कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाषण उठाकर एनालिसिस मिनटों में कर दीजिए। 40 मिनट के भाषण में 29 मिनट, 35 मिनट, 36 मिनट विकास के मुद्दे होते थे, 3-4 मिनट पॉलिटिकल जवाब देते थे। मगर दुर्भाग्य की बात है कि टीआरपी के कारण और फ्रंट पेज टाइटल बनाने के कारण वो 3 मिनट वाली चीजें ही छपती है। हम क्या कर सकते हैं भैया? आप सबको मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का भाषण का एनालिसिस करिए और विकास की बात कितने मिनट तक की गई वो निकालिए। ये सारे मुद्दे हमने विकास के रखे हैं जनता के सामने, और जनता ने सुने भी है, स्वीकारे भी है। रविकांत देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि श्री राहुल गांधी के पास अगर कोई जानकारी थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जब इस विषय पर सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करना चाहिए था। कोरे पॉलिटिकल आरोप लगाने से आरोप लगते नहीं है, जिन पर आरोप लगाते हैं इनके चरित्र के आधार पर जनता निर्णय करती है। ना भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है, ना इस प्रकार का कैरेक्टर है, ना हमारे नेता का है। तो कोई आरोप चिपकने का सवाल ही नहीं है। राफेल डील के अंदर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंदर कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, कोई किसी भी प्रकार का फेवरेटिज्म नहीं हुआ है, ना एक कानी पाई का भी भ्रष्टाचार हुआ है। आदित्य टाइम्स नाउ, चलिए वो ठीक है, किसी के व्यक्तिगत विचार है, मगर हम बहुत ज्यादा सीटों पर लड़ रहे, अच्छा फीडबैक हमारे पास है, मगर शिवसेना का भी जो व्यू है वो अपना व्यू है, इस पर मैं क्यों टिप्पणी करूं? मैंने मेरी बात जनता के सामने रखी, आपके सामने रखी, मैंने जवाब दे दिया ना। हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है, बेसिस नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे या तो केक से जनरेट हुए थे, या सुप्रीम कोर्ट ने जांच ऑर्डर किया था, या सीबीआई उनकी साथ सरकार की सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, तब वो कटघरे में आते थे। इसका कोई बेस ही नहीं है, क्या जवाब देना है जी? और देश की रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर हर चीज का जवाब दिया है, हर चीज का जवाब दिया है, और सुनने के लिए भी राहुल गांधी बैठे नहीं थे। नवीन ये नहीं, आपको क्या लगता है
नहीं देखिए, हम नॉर्थ ईस्ट में अच्छा करेंगे, बंगाल में तो बहुत अच्छा करेंगे, उड़ीसा में भी अच्छा करेंगे, और दक्षिण भी के सभी राज्यों में भी हमारी स्थिति में मत प्रतिशत और सीटों में हम सुधार करेंगे। कर्नाटक में भी हमारा इम्प्रूवमेंट होगा, महाराष्ट्र में भी इम्प्रूवमेंट होगा। मारिया सकेल मैं नहीं मानता चुनाव अभियान में आरोप प्रत्यारोप से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सिद्धांत टूट जाता है। हर चुनाव में होते हैं जी, और इतना संकुचित मन है तो साथ में दिक्कत आएगी। हमारा मन इतना संकुचित नहीं है। अशोक सिंगल हम मीडिया को साथ में नहीं ले पाए, इसका 5 साल के बाद बहुत बड़ा मलाल है कि आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। चलिए धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।